हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज रंगमंच। और ये सराउंडिंग देख के आपको पता ही चल रहा है कि मैं अभी हूँ कलकत्ता में, मेरा ससुराल में। तो इस ब्लॉग में स्पेशली मैं बहुत बार पहले जब आई थी तब उस आपको बोले थे कि मेरा बहुत सारा साड़ी का शौक है, मगर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए बहुत कम साड़ी मैं पहनती हूँ ओकेशनली। मगर आज आपके साथ मैं ये व्लॉग मेनली शेयर कर रही हूँ, साड़ी हॉल एक व्लॉग है। जो जो साड़ी आपके पास होना ही चाहिए, आपके वार्डरोब में रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लगभग मेरा जो जो साड़ीज है, मेरा फेवरेट वाला, वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद अब ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये व्लॉग कैसे लगा। तो ज़्यादा बातें करने के पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा वार्डरोब इतना भी अच्छा से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं रहती हूँ, आपको समझ ही सकते हो कि उस यहाँ पर आके दो दिन के लिए ये सब, तो इग्नोर करिए जो जो मेसीनेस है। तो मेरा गला भी बट गया है, तो इसको भी इग्नोर करिए। तो दिखाते हैं, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा ये साड़ी से ये है एक कांजीवरम साड़ी। मैं एक साथ ऐसे करके पेटीकोट एंड ब्लाउज को रख देती हूँ, जो जो सेट रहते हैं। इससे जब आप कुछ साड़ी ट्राई करने जा रहे हो तो वो बहुत इजी होता है। तो मैं इस ब्लाउज़ के साथ, इस पेटीकोट के साथ इसको पहनती हूँ, तो सब साड़ी ऐसे ही मिलेगा। तो ये है एक कांजीवरम, ये मुझे शादी में माइका से फूल शॉट जब बोल के एक रिचुअल होता है उसके लिए तत्व में ये भेजा था। तो ये मेरा बहुत फेवरेट साड़ी के साथ एक है, साउथ इंडियन सिल्क है, कांजीवरम बोलते हैं। इसका जो पल्लू है वो है इस तरह का पिंक कलर का, और इसका जो बॉडी है वो ऐसा है। तो ये ग्रीन और पिंक का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत फैशन है इस टाइम में, बहुत इन है और बहुत ब्राइट लगते हैं। जिसका कम्प्लेक्शन बहुत क्या बोलूँ, बहुत वाइटिश नहीं है और बहुत डार्क भी नहीं है, वो सब लोग मीडियम कॉम्प्लेक्शन, लाइक मेरा भी कम्प्लेक्शन मीडियम है, तो वो इस कलर ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होता, तो ये कलर इतना ही ब्राइट है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड में अगर कोई पार्टी या कोई मैरिज में आप, मैरिज पार्टी में आप जाओगे तो बहुत क्राउड में भी आपको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ऐसा एक कलर वार्डरोब में होना ही चाहिए, ग्रीन और पिंक कम्बिनेशन, जो बहुत इन है अभी फैशन में। कांजीवरम साड़ी मैंने खरीदी थी शायद 5,000 to 6,000 रुपीज़ के अंदर ही था ये, और बहुत लाइट वेटेड है, हेवी नहीं है, इसीलिए समर के टाइम में कोई ओकेजन में आप इजीली इसको पहन सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी है एक कोरियल बनारसी, जो आप अगर बंगाली हो तो आपके वार्डरोब में ये होना ही चाहिए, रेड एंड वाइट कम्बिनेशन में। कोई पार्टी वगैरह, शादी या ऑप्शनल बंगाली लुक क्रिएट हो जाता है, तो ये एक साड़ी आपका वार्डरोब में रहना ही चाहिए। ऐसा ही है इसका जो ये पटली पल्लू है, ये जो है ये है नीचे जो हमारे बॉडी में आता है, और पल्लू में भी ये रेड कलर है, और ये मीनाकारी काम है, यहाँ पर भी मीनाकारी काम है। इसका जो पैटर्न है, मोटिव भी बहुत छोटा छोटा है, तो वाइट एंड रेड इस टाइप ऑफ का एक साड़ी आपका वार्डरोब में होने से आप एक इंडो टिपिकल बंगाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसको किसी भी स्टाइल में पहनने के लिए पहनने से एक अलग सा लुक क्रिएट होता है। इसमें बनारसी है तो थोड़ा सा हेवी ये है, मगर प्राइस है
4000 to 5000 के अंदर ही था, शायद 4700 ऐसा ही कुछ प्राइस था, क्योंकि इसमें पटली और पल्लू में काम है. अगर पल्लू में काम है ओनली तो इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, वो भी एक होने से वो भी अच्छा लुक आता है, मगर मेरा पटली पल्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पटली पल्लू ही चूज़ किया हूँ. ये साड़ी मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये जो कलर है डार्क पिंक, रानी कलर जिसको बोलते हैं, तो वो मेरा बहुत फेवरेट है. और ये मेरा शादी का भी साड़ी है, इसीलिए बहुत सारा मेमोरीज है, तो ये साड़ी मेरा बहुत फेवरेट है. और इसको ये बहुत ही लाइट वेटेड है, ए टिपिकल बनारसी है, सबके वार्डरोब में शायद ये एक रहता ही है, मगर मैं सॉलिड कलर में बनारसी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ये फुल सॉलिड में ही है, छोटा छोटा मोटिव है, और जो पार है उसमें थोड़ा सा काम है. जिसका हाइट शॉर्ट है वो ज़्यादा बड़ा पर अवॉइड कीजिए, छोटा पार में चूज़ कीजिए, सॉलिड साड़ी चूज़ कीजिए. और जो हेवी, जिसका बॉडी वेट थोड़ा सा हेवी है, वो सॉलिड कलर पहनने, एक कलर की कोई साड़ी पहनने से उसको थोड़ा सा रिड्यूस दिखता है. और जो बहुत अंडर वेट में है वो प्रिंटेड, ज़्यादा प्रिंटेड साड़ी पहनने से थोड़ा सा वेट गेन हुआ है ऐसा दिखता है, तो इल्यूशन क्रिएट होता है. तो जो हेवी है वो सॉलिड कलर में जाइए, और जो थोड़ा सा थिन है, थोड़ा सा अंडर वेट में है, तो वो ज़्यादा प्रिंट लीजिए. मगर साड़ी में तो बनारसी में ऐसा काम आएगा ही, मगर ये बहुत क्यूट छोटा छोटा एक पैटर्न में है, होल बॉडी और एक पार है. मैं इसको दिखाती हूँ ऐसे, ये एक रहना ही चाहिए एक कलर के ऊपर. तो इससे एक, इसको आप बहुत सारा स्टाइल में कैरी कर पाओगे, क्योंकि लाइट वेटेड है. इसका प्राइस था 7000 to 8000 रुपीज़ के अंदर. नेक्स्ट जो साड़ी है ये एक फैशनेबल साड़ी है, सिफोन काइंड ऑफ है. इसमें देखने में तोशो जैसा लगता है और डुअल कलर इफेक्ट आता है. ये भी मेरा एक स्पेशल ओकेशन में मैं पहनी थी, मेरा रजिस्ट्री वाला इवेंट. तो जो लोग साड़ी पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं और फर्स्ट टाइम साड़ी ट्राई कर रहे हैं, उसको मैं प्रेडिक्ट करूँगी इस टाइप ऑफ साड़ी लेने के लिए. और हैंडलूम जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे ही आप पहन लो वैसे ही रहेगा, ऐसे कुछ साड़ी में से एक है. और ये शादी के लिए या कोई पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है. सामने इस टाइम में ऐसे साड़ी पहनने से और भी गॉर्जियस एक लुक आएगा. और ये बहुत लाइट वेटेड है, इसका बहुत सारा क्वालिटी भी होता है मार्केट में, मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्वालिटी में रह जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही प्राइस आता है. इसका फुल बॉडी ऐसे वर्क होता है, ऐसे गोल गोल मोटिव जो है इसमें ही आता है, और एक डुअल कलर इफेक्ट आता है, ऑरेंजिश एंड पिंकिश दोनों एक डुअल कलर में इफेक्ट आता है लाइट पड़ने से, तो वो इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम. और ये कलर भी मेरा बहुत फेवरेट है, ऐसे बहुत बहुत ही इजी है इसको हैंडल करना. तो इसका प्राइस था 3500 to 3700 इसके अंदर ही. और इसको लो बजट में भी बहुत सारा साड़ी मिल जाता है 1000 to 2000 में, मगर क्वालिटी में डिफरेंस आता है. ये साड़ी भी मेरा शादी का है, शादी के टाइम में बहुत सारा साड़ी मिला है मगर पहनने के टाइम नहीं मिला. तो ये एक जामदानी है, टिपिकल जामदानी जो बंगाली लोग है उसमें ये बहुत फेमस है. इसके फुल बॉडी में ऐसा एक मोटिव है, और ये है पल्लू, पल्लू का पार्ट में ऐसा एक मोटिव है, और ये येलो पिंक जो कलर है वो बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्राइट होता है. ट्राई करिए कि ब्राइट कलर का साड़ी पहनने के लिए फेस्टिव सीजन में. इससे क्या होता है कि अब थोड़ा बहुत साथ सफ़र करने से ही आपका एक अलग लुक आ जाता है. और ये जो कलर है बहुत यूनिक है, यूनिक नहीं है, बहुत इन भी है, और होल बॉडी में ऐसा एक पैटर्न है. बहुत हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड है,
अभी भी ये नया है, मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ इसको, और इसका प्राइस था 2,700 रुपीज़। नेक्स्ट भी एक जामदानी है, इस कलर भी बहुत ही खूबसूरत है, ऑरेंज एंड पिंक, ऐसा कम्बिनेशन में भी एक साड़ी आपको रहना चाहिए। और उसका मोटिव भी है ऐसा, छोटा 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 एक वर्क है इसके अंदर। जो फर्स्ट टाइम साड़ी ट्राई करना चाहते हो इस दुर्गा पूजा में, वो ऐसा एक लाइट वेटेड साड़ी ट्राई कर सकते हो, जो बहुत ट्रेडिशनल भी होगा, बंगाली लुक्स क्रिएट करेगा और लाइट वेटेड भी है, और ये भी एक जामदानी है। इसका पल्लू ऐसा है, ये कलर मुझे बहुत सूट करता है और मेरा बहुत फेवरेट है। और इसका प्राइस है 3,500 रुपीज़। नेक्स्ट जो साड़ी दिखा रही हूँ वो है ओपारा सिल्क, बहुत इन है ये भी फैशन में। ये काइंड ऑफ बनारसी टाइप ऑफ एक इफेक्ट देते हैं, जो चाह रहे हैं कि इतना भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी बनारसी, दूसरा वाला एक बनारसी शादी का है और दूसरा एक बनारसी खरीदने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी भी जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो आता ही है बनारसी, तो उसको मैं बोलूँ, सजेस्ट करूँगी ये कि एक ओपारा सिल्क ले लीजिए, वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन का, जो आपके वैसा ही लुक देगा जो एक बनारसी साड़ी देगा। वाइट एंड रेड जो टिपिकल बंगाली लुक क्रिएट करने में मैं पहले जो दिखाया उसका ही कंप्लीमेंटरी ये हो सकता है। देखिए ये रेड जो है, ये पल्लू, ये भी पतली पल्लू है, ये पल्लू का पार्ट है और इसका बॉडी है ऐसा ऑफ वाइट। तो अगर आप इसको पहनोगे तो एक बंगाली लुक क्रिएट हो ही जाएगा, और इसका प्राइस भी थोड़ा कम आता है, ये शायद 2,700 टू 3,100 के करीबी था। और इस ऐसे एक रॉयल लुक क्रिएट करेगा बहुत कम प्राइस में, थोड़ा सा कम प्राइस तो डेफिनेटली बनारसी के रेस्पेक्ट में। तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी दोनों बनारसी में इन्वेस्ट ना करके एक ओपारा ऐसे बनारसी काइंड ऑफ खरीद लेने के लिए। ठीक है, ये साड़ी भी मैं अभी तक नहीं ट्राई की हूँ। ये बहुत सारा स्टिचिंग वर्क है बर्ड का, उल्टा दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारा बर्ड है कलर, और इसका पल्लू है, ये बॉडी उल्टा इफेक्ट आएगा ऐसा। ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है, कॉपर कलर। और इसका एग्जैक्टली नाम क्या है मुझे पता नहीं है, ये एक सिल्क मटेरियल टाइप ऑफ है, नॉट ओनली सिल्क, तोशोर काइंड ऑफ है, तो ये भी बहुत सुंदर इफेक्ट आता है, मगर थोड़ा सा हेवी होता है क्योंकि इतना सारा वर्क है ना, इसलिए थोड़ा सा हेवी आता है, मगर दिखने में तो बहुत बहुत खूबसूरत होता है। मैं और एक ओपार कांजीवरम दिखा रही हूँ, मैं जो दिखाया था ग्रीन और पिंक, ये उल्टा इफेक्ट है, मैजेंडा एंड ग्रीन, ये मेरा नया साड़ी है पूजा का। तो ऐसा एक साड़ी आपको एक साउथ इंडियन लुक क्रिएट करने में बहुत इजी, ये पहनना भी इजी होता है और एक साउथ इंडियन लुक क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ऐसा एक दो कांजीवरम होना चाहिए। तो मेरे पास पिछले जो दिखाया था मैंने, ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये कलर और ये कलर, ये कांजीवरम और ये और एक इस पूजा में गिफ्ट है, ये इसमें थोड़ा सा होल वर्क है, एक छोटा छोटा मोटिव जैसा है, और इसका पल्लू ग्रीन है, अलग सा ग्रीन, दोनों अलग टाइप का है। नेक्स्ट, ये साड़ी सबसे इजी है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, एक चाची ने मुझे गिफ्ट किया है। तो ये है प्योर सिल्क, देखिए कितना सुंदर प्रिंट है, बर्ड काइंड ऑफ, ये ना एकदम लाइट वेटेड होता है, ये पहनने से लगता ही नहीं कि साड़ी पहन कर हूँ, तो ये बहुत फैशनेबल ही होता है
और बहुत इजी भी कैरी करते हैं। रोज़ ऐसा बहुत ऑक्यूपेशन रहता है जो लोग रोज़ साड़ी पहनते हैं उसको मैं सजेस्ट करूँगी। बहुत सारा प्योर सिल्क का कलेक्शन होने से डेली वर्क बेसिस जो साड़ी पहनते हैं उसके लिए बहुत बहुत ही इजीएस्ट होता है ये पहनने के लिए। तो लाइट वेटेड भी होता है, हेवी भी नहीं होता है। तो ये एक साड़ी प्योर सिल्क आपके वार्डरोब में रहना ही चाहिए। मेरे पास बहुत सारा प्योर सिल्क है मगर ये वाला मेरा सबसे पसंद का है, इसीलिए मैं ये शेयर किया हूँ। और ये साड़ी भी मैंने बोला है सिफोन का, बहुत ये है डिज़ाइनिंग साड़ी और इसका जो पार है ऐसा, जो डेली ऑफिस वर्क के लिए साड़ी पहनते हैं प्योर सिल्क के साथ ये वाला साड़ी भी उसके साथ जाएगा। और एनी काइंड ऑफ पार्टी में, कोई कॉर्पोरेट पार्टी ऐसे पार्टी में आप ऐसा एक साड़ी पहनकर जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट करता है और इजी है मैनेज करने के लिए और हेवी नहीं दिखता है साड़ी पहनने के बाद। और ये है पल्लू की पार्ट, ऐसा बहुत सारा डिज़ाइनिंग, बहुत सारा नहीं थोड़ा बहुत मेरा पास है मैं दिखा रही हूँ। ये एक है, ये वाला भी एक है जो ड्यूअल कलर, जो मैंने पहले भी बोला था कि ड्यूअल कलर क्रिएट करना वाला क्लॉथ मुझे बहुत पसंद आता है। ऐसा जरी का काम है इसके अंदर और इसके बॉडी में ऐसा ड्यूअल कलर आता है, पिंक और ऑरेंज टाइप ऑफ। बहुत छोटा सा पार है, एक स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप लहंगा की टाइप में भी पहन सकते हैं इस साड़ी को स्पेशली, तो लहंगा जैसा ही दिखेगा और इसका पल्लू ऐसा है। बहुत ही स्टाइलिश पार्टी वाला लुक क्रिएट करने के लिए ये लो बजट में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका प्राइस था 1000 to 2000 के अंदर है। और पिछला वाला साड़ी का इसका प्राइस भी बहुत कम था, 700 to 1200 के अंदर ही इसका प्राइस था। और इसके साथ मैं और एक पार्टी वेयर दिखाऊंगी जो सिफोन का ही है। यहाँ पर ऐसा हो गया है साड़ी के सब, वो है ये साड़ी। इसका पार्ट जो है थोड़ा सा हेवी होता है मगर इसको भी आप लहंगा के टाइप में अगर आपको आता है तो ऐसे पहन सकते हैं। ऐसा एक पार है इसके अंदर और ये बहुत लाइट वेटेड है। इसका जो स्टोन है इसका काम थोड़ा सा हेवी है। और ये साड़ी एक रहने से आप कोई भी पार्टी में इसको ब्लैक ब्लाउज, सिल्वर ब्लाउज या ग्रीन ब्लाउज से कंबाइन करके या कॉन्ट्रास्टिंग पिंक ब्लाउज से करके पहन सकते हैं। एक अच्छा लुक क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता है। और इसको आप लहंगा के टाइप में भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक लुक आता है इससे। और इसका प्राइस था 3700 to 4000 के अंदर। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसके रेस्पेक्ट में। और मैं लास्ट जो आपको दिखा रही हूँ वो है साड़ी नहीं, वो मेरा रिसेप्शन का लहंगा है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत हेवी है ये, मैंने पहना था मेरे शादी में। ये है नीज का पार्ट, वेलवेट के ऊपर है, जरी का काम, जरी नहीं टाइप ऑफ रखी को ठीक। और इसके एक टार्सल है ऐसा, कोई भी ब्राइडल ओकेशन में, ये वेलवेट का है और ये ब्लैक नहीं है, इस दिखने में कैमरा में ब्लैक आता है मगर ये है कॉफ़ी कलर। और उसके ऊपर ये गोल्डनिश, लाइट गोल्डन, वाइटिश गोल्डन कलर का एक काम है, बहुत ही हेवी है ये। ब्राइट कोई भी ब्राइडल ओकेशन में आप आसानी से पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। रुकिए इसका दुपट्टा मैं दिखा रही हूँ। ये है लहंगा का जो ऊपर का पार्ट, इसके बैक साइड का ऐसा टार्सल है और इस यहाँ से लॉक का सिस्टम है ये। और इसका दुपट्टा है ऐसा, तो इसके साथ ये जो कलर है बहुत ही अच्छा जाता है। देखिए बहुत हेवी है, ये बात सही है ऐसा।
मगर बहुत खूबसूरत है। किसी का फैमिली में अगर शादी वगैरह है और खुद का शादी है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि एक लहंगा ऐसा होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होने से और इस काइंड ऑफ एक लहंगा होने से भी होगा, थोड़ा सा लाइट भी ले सकते हैं। मेरा ये शादी का है इसीलिए थोड़ा सा हेवी है, और इसका प्राइस था 21 to 22 thousand के करीब। तो मैंने मेरा जितना सारा साड़ी है, एक साड़ी छोड़ के जो मेरा बहुत फेवरेट है मगर इस घर में नहीं है, वो मैं गैंगटॉक के घर में जाने के बाद आपके साथ एक व्लॉग में दिखा दूंगी। वो है एक लखनऊ चिकॉन का साड़ी, बहुत खूबसूरत है, मैं लखनऊ से ही वो ख़रीदा था, वो मैं शेयर करूंगी। इसके अलावा जो जो मेरा पसंद का साड़ी इस वार्डरोब में है मैं वो शेयर किया हूँ, और मेरा स्पेशल डे का या शादी या रिसेप्शन का पार्टी लहंगा भी इसके साथ शेयर किया हूँ। तो मेरा जो कलेक्शन है ये थोड़ा बहुत आपके वार्डरोब में रहने से भी एक नया नया लुक अपग्रेड कर सकेंगे, और मेरा जो थिंकिंग है मैं वो आपके साथ शेयर की हूँ। तो मेरा जो कलेक्शन है वो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना। और अभी तक जो मेरा व्लॉग को फॉलो कर रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसको मैं बताऊँगी कि प्लीज़ मेरा व्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल के पास में जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास में एक बेल आइकॉन होता है उसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब मेरा नया वीडियो इसमें डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। तो एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।